हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे जनवरी 2019 के थर्ड वीक की करंट अफेयर्स। इसमें जो भी क्वेश्चन हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो हम स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा हो सके। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज़, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की जो है अभी किस इंडियन प्लेयर को मेंबरशिप मिल गई है? तो राइट आंसर इज़ विराट कोहली। विराट कोहली को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की जो मेंबरशिप वो है दे दी गई है। नेक्स्ट इज़ आशुतोष अमन, जो अभी न्यूज़ में थे, ये किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? तो ये प्लेयर हैं एंड द राइट आंसर इज़ क्रिकेट। ये क्रिकेट से रिलेटेड है और इन्होंने जो अभी मोस्ट विकेट इन सिंगल रणजी ट्रॉफी सीजन, एक सिंगल रणजी ट्रॉफी सीजन में सबसे ज़्यादा विकेट ली है, और कितनी विकेट ली है? 68 विकेट के साथ इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। उसके बाद है ICSI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो अभी मिला है, तो ये किसको मिला है? राइट आंसर इज़ आदि गोदरेज को जो ये अवार्ड मिला है। अगर हम बात करते हैं ICSI के फुल फॉर्म की, तो इसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, तो जो है ये इसकी फुल फॉर्म है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इंडियन स्कॉलर स्वामी विवेकानंद वाज बोर्न इन विच ईयर, तो कौन से सन में स्वामी विवेकानंद का जो है वो जन्म हुआ था? एंड द राइट आंसर इज़ 1863। तो अब आप सोचेंगे कि इसका इससे रिलेटेड क्या है जो करंट अफेयर में हम ये क्वेश्चन लेकर के आए हैं। अभी जो है वो नेशनल यूथ डे बनाया गया है, और नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? नेशनल यूथ डे। और ये किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी को जो है ये नेशनल यूथ डे के रूप में हम मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, विच सिटी इज़ द वेन्यू ऑफ 29th इंडियन पेंट कॉन्फ्रेंस 2019 अभी हुई है? तो ये किस शहर में जो ये हुई है? एंड द राइट आंसर इज़ आगरा। और आगरा कहाँ पर है? यूपी में है। और यूपी के अगर हम सीएम की बात करता हूँ, तो योगी आदित्यनाथ इज़ द सीएम ऑफ यूपी। उसके बाद है, नए प्रेसिडेंट बने हैं वेनेजुएला के, तो ये जो है इन नए प्रेसिडेंट का नाम क्या है? निकोलस मुद्रो जो है इसके नए प्रेसिडेंट बने हैं। तो वैसे इसके पास जो भी स्टेट हैं, चाहे वो ब्राज़ील हो, चाहे वो कनाडा हो, यूएस हो, वो सभी इसके जो आलोचना कर रहे हैं कि ये जो पूरा एक निष्पक्ष रूप से जो है ये इलेक्शन नहीं हुआ था। ओके, तो आपने जो है इसका आंसर याद रखना है, निकोलस मुद्रो इज़ द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला। उसके बाद है, विच स्टेट हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट 10% कोटा, जो किस स्टेट, कौन सा स्टेट ऐसा पहला स्टेट बन गया है जिसने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ जनरल कैटेगरी में जो अभी 10% कोटा देने की बात की गई है वो लागू कर दिया है? एंड द राइट आंसर इज़ गुजरात। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे कि सिखों के 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उनका जो है किस सन में जो जन्म हुआ था? एंड द राइट आंसर इज 1666, सेकेंड इज़ द राइट आंसर। और वही बात है कि अब आप हम इस जनवरी की करंट अफेयर में ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि 5 जनवरी को जो है इनका क्या था, वो बर्थ एनिवर्सरी थी। और अगर हम इसको कहते हैं कि ये जो इनकी बर्थ एनिवर्सरी है, ये प्रकाश उत्सव के रूप में मनाई जाती है, प्रकाश उत्सव के रूप में जो इनकी बर्थ एनिवर्सरी जो है ये मनाई जाती है। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज़ द ओनली ट्राई सर्विस थिएटर कमांड ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज? एंड द राइट आंसर इज़ अंडमान एंड निकोबार। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अभी न्यूली इंस्टीट्यूटेड सुशीला देवी लिटरेचर अवार्ड जो है वो किसको मिला है? एंड द राइट आंसर इज़ नमिता गोखले को जो है ये सुशीला देवी लिटरेचर अवार्ड मिला है। उसके बाद हम बात करेंगे, वन फैमिली वन जॉब स्कीम जो है ये लॉन्च हुई है, ये किस राज्य में लॉन्च हुई है? एंड द राइट आंसर इज़ सिक्किम में जो है ये लॉन्च हुई है। अगर हम सिक्किम की कैपिटल की बात करते हैं, तो कैपिटल इसकी गंगटोक है। और अगर हम इसके गवर्नर की बात करते हैं, तो श्रीनिवास पाटिल
श्रीनिवास पाटिल जो है इसके गवर्नर है सिक्किम स्टेट के। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि इंडियन पर्सनैलिटी इज़ द रेसिपियंट ऑफ फर्स्ट एवर फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड। तो किस इंडियन पर्सनैलिटी को फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिला है? एंड द राइट आंसर इज़ आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को ये अवार्ड मिला है। ये किस लिए मिला है? बिकॉज ऑफ देयर आउटस्टैंडिंग लीडरशिप फॉर द नेशन। ओके, आउटस्टैंडिंग लीडरशिप के लिए उसको ये अवार्ड मिला है। उसके बाद है फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्म्ड आर्मी पोस्ट इंडिपेंडेंस। मतलब आज़ादी के बाद हमारे पहले कमांडर इन चीफ कौन थे? एंड द राइट आंसर इज़ के एम करियप्पा। तो अभी हम जनवरी में इसकी बात क्यों कर रहे हैं? इसकी बात हम इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि 15 जनवरी को अभी हमने एक दिवस सेलिब्रेट किया है, एक डे सेलिब्रेट किया है, जो क्या था? आर्मी डे। अगर हम ऐसी बात करते हैं कि एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है, तो एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। अगर हम नेवी की बात करते हैं तो कि नेवी का जो नेवी डे, इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? इंडियन नेवी डे। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेंचाइज टीम वॉन, अभी बैडमिंटन प्रीमियर लीग हुई थी। ओके, तो ये किस टीम ने जीता है? राइट आंसर इज़ बेंगलुरु रैप्टर्स ने जो है ये बैडमिंटन प्रीमियर लीग जीती है। शकील अहमद जो है अभी न्यूज़ में थे, तो वो किसके लिए न्यूज़ में थे, किस स्पोर्ट्स से वो जुड़े हुए हैं? एंड द राइट आंसर इज़ इंडोर स्विमिंग। तो इंडोर स्विमिंग में इन्होंने ऐसा क्या किया है कि ये अभी न्यूज़ में आ गए? इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है इंडोर स्विमिंग में बाय कंप्लीटिंग 1 लाख मीटर। 1 लाख मीटर इन्हें कंप्लीट कर लिए हैं इन अबो 40 ईयर्स, और ये 40 ईयर्स से भी ऊपर के ऐसे अकेले व्यक्ति हैं जिन्होंने 1 लाख मीटर स्विमिंग में पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद है इंडिया का लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम लॉन्च किया है कि किस स्टेट ने लॉन्च किया है? एंड द राइट आंसर इज केरला। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे विच यूनियन टेरिटरी या फिर स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट फ्रॉम 1 मार्च 2019। एंड द राइट आंसर इज़ पुडुचेरी। पुडुचेरी ने प्लास्टिक के यूज़ पर जो है वो बैन लगा दिया है। इन्होंने वैसे तो अभी जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हुआ था उसी दिन ये घोषणा कर दी थी कि 2019 में हम इस पर जो है ये बैन लगाएंगे। अगर हम बात करते हैं कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है 5 जून को। और अगर हम इसकी 2018 की थीम की बात करते हैं, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑफ 2018। उसके बाद हम बात करेंगे फर्स्ट एवर ग्लोबल एविएशन समिट जो अभी हुई है वो किस जगह पे हुई है? एंड द राइट आंसर इज़ मुंबई। फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। उसके बाद हम बात करेंगे लेनिन राजेंद्र वो वाज पास्ड अवे रिसेंटली रिनाउंड पर्सनैलिटी ऑफ विच फील्ड। एंड द राइट आंसर इज़ फिल्म मेकिंग। ओके, उसके बाद है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च जय किसान ऋण मुक्ति योजना जो है कि लॉन्च की है? तो ये किस स्टेट ने लॉन्च की है? एंड द राइट आंसर मध्य प्रदेश। तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने ये लॉन्च किया है। और इसके अगर हम बजट की बात करते हैं तो 50,000 करोड़ जो है इसका बजट था। और इसके सीएम की अगर हम बात करते हैं तो किस सीएम ने ये लॉन्च की है, इसका देवेंद्र फडणवीस जो है ये मध्य प्रदेश के सीएम हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कृष्णा गैस प्रोजेक्ट अभी न्यूज़ में था, तो ये कृष्णा गैस प्रोजेक्ट ये किस स्टेट में प्रोजेक्ट चल रहा है? एंड द राइट आंसर इज़ त्रिपुरा। त्रिपुरा में ये चल रहा है। तो ये अभी न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि त्रिपुरा में एक है कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वहाँ पे है, तो वहाँ पे नेचुरल गैस निकालने की परमिशन अभी मिल गई है। तो क्या निकालेंगे वहाँ से? नेचुरल गैस। तो इस वजह से ये अभी न्यूज़ में था। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द विकेट कीपर एंड कैप्टन। वो विकेट कीपर भी हैं और कैप्टन भी हैं विद द मोस्ट नंबर ऑफ कैचेस इन अ मैच, जिन्होंने एक मैच में सबसे ज़्यादा कैच लिए हैं। एंड द राइट आंसर इज सरफराज अहमद, और ये कैप्टन हैं पाकिस्तान टीम के और उसके ही विकेट कीपर भी हैं।
उसके बाद हम बात करते हैं इम्बैक्स 2018-19, अभी जो है ये एक एक्सरसाइज हुई है इंडिया और किस कंट्री के बीच में ये हुई है, एंड द राइट आंसर इज म्यांमार के बीच में। इम्बैक्स की अगर हम फुल फॉर्म की बात करते हैं तो यहाँ से इंडिया और एम से म्यांमार, तो आपने जो इम से ही बिल्कुल ये एकदम से समझ जाना है कि ये म्यांमार के साथ जो एक्सरसाइज हुई थी उसके बारे में ये लिखा गया है। अगर हम बात करते हैं कि किस जगह पे हुई थी, ये हुई थी अभी हरियाणा में। हरियाणा में किस जगह पे? चंडी मंदिर मिलिट्री स्टेशन है। अगर हम चंडी मंदिर की बात करते हैं तो ये हेडक्वार्टर भी है वेस्टर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी। उसके बाद हम बात करते हैं, अभी एक स्टेट गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की है अम्मा घर एलईडी, ये स्कीम लॉन्च की है तो ये किस स्टेट ने लॉन्च किया है, एंड द राइट आंसर इज़ उड़ीसा। अगर हम उड़ीसा के कैपिटल की बात करते हैं तो कैपिटल है इसकी भुवनेश्वर, और अगर हम इसके गवर्नर की बात करते हैं तो गवर्नर का नाम है गणेशी लाल, और सीएम की बात करते हैं सीएम इज़ द नवीन पटनायक। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रांस्को जर्मन ह्यूमन राइट अवार्ड जो है ये किसको दिए गए हैं, एंड द राइट आंसर इज़ यू वैंग सेंग, सेकेंड इज़ द राइट आंसर, और ये लॉयर हैं चाइना में, ये चाइना में वकील हैं। उसके बाद हम बात करेंगे डी गुकेश जो अभी हु हैज़ बीन क्राउन इंडियाज यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर इन फ्रॉम विच स्टेट, और ये किस स्टेट से हैं, तो यहाँ पे तो आंध्र प्रदेश पे हमने टिक मार्क लगाया तो ये अभी गलत है, राइट आंसर इज तमिलनाडु। और ये ग्रैंड मास्टर जो है ये एक खेल है, ये किस में बने हैं, चेस में होता है ग्रैंड मास्टर। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है याद कर लेंगे। विच हु हैज़ बीन अपॉइंटेड अ न्यू सीईओ ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी के नए सीईओ किसको बनाया गया है, एंड द राइट आंसर इज मनु शाह ने जो को जो है आईसीसी का नया सीईओ बनाया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं कि किस स्टेट ने बर्ड हॉस्पिटल को जो है वो स्टार्ट किया है, एंड द राइट आंसर इज न्यू दिल्ली। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा, किस पर्सनालिटी या फिर ऑर्गेनाइजेशन को गांधी पीस प्राइज 2018 से नवाजा गया है, एंड द राइट आंसर इज योहेई सासाकावा को गांधी पीस प्राइज 2018 से नवाजा गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर थर्ड वीक के जनवरी के। अगर आपको सेकंड वीक के या फिर फर्स्ट वीक के अगर करंट अफेयर देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, आप वहां से जा करके वो स्टडी कर सकते हैं, वो वीडियो देख सकते हैं, और इससे रिलेटेड जो कुछ भी वीडियो है हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।